हे भगवान, आपसे तो कुछ नहीं छुपा है। आपको तो सब पता है ना कि मैं और विष्णु एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। अब आप ही रास्ता दिखाइए। फिर भी परिवार का मान रखने के लिए इन रस्मों में फंसे हैं। अब आप ही हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए। ऐसा कोई रास्ता दिखाइए हमें जिस पर चल पड़े तो विष्णु के लिए हमारे दिल में जो प्यार है उसे भुला सके। भुला नहीं पाई है मुझे, फिर भी क्यों इतना आगे बढ़ रही है? आप तो जानती हैं हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। फिर ये सब क्यों हो रहा है? वक्त बहुत कम है भगवान, कुछ कीजिए अब आप। भगवान आप दोनों की जोड़ी सदा ऐसे ही बनाए रखे। आप वर वधू मंदिर की परिक्रमा कीजिए। तत्पश्चात अन्नी के फंक्शन से पहले हम अन्नी को सारा सच बता देंगे। लाइए पंडित जी, ये थाल मुझे दे दीजिए, मैं दूल्हा और दुल्हन को दे दूंगा। अरे मुक्ता बेटा, आप अकेले आए हो या सब आए हैं? नहीं नहीं, सब है ना। अम्मू नानी, रोहिणी मासी और पापा भी अभी अभी गए। आइए। अम्मू नानी, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब काफी ठीक है। आज कोई खास बात? सब मंदिर आए हैं। हाँ, मेरी नातिन, उसकी शादी होने वाली है, बस भगवान जी को न्योता देने आए थे। बधाई हो। दूल्हा कहाँ है? मिलवाओ तो हमें। अरे देखिए आगे, विष्णु, ये हमारी ठकुराइन के परिचित हैं और ये हमारे होने वाले दामाद विष्णु। मिम साहब, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। मिम साहब, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे। मिम साहब, एक बार बात तो सुन लीजिए। मेम साहब, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है अभी। मेम साहब, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चुप रहोगे थोड़ी देर? मुझे मेरा पूजा खत्म करने दोगे? मैं कह रही हूँ बाद में बात करेंगे, लेकिन नहीं। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पीपल का पेड़ है ये, इसके साथ फेरे लेने थे आपको, विष्णु के साथ। यही बात बार बार कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप मेरी बात सुन नहीं रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, आपने ये फेरे मेरे साथ ले लिए, कुछ गलत नहीं किया। हाँ कुछ भी हो, लेकिन शादी के साथ फिर तो मुझे विष्णु के साथ ही लेने हैं ना। फिर तुम जिंदगी भर अपने आप पर और मुझ पर हमेशा के लिए हंसते रहना। नमस्ते। ये लीजिए पंडित जी। विष्णु काफी सरल और नेक स्वभाव के, मीठी बहुत खुश रहेगी उनके साथ। पर दामिनी, वो कुछ महीने पहले ठकुराइन मिली थी,
बता रही थी कि मीठी की शादी है, तो क्या तुम मीठी की दोबारा शादी कर रही हो? जी हाँ, ये मेरी पत्नी की दूसरी शादी है। और मैं उनका पति आपको निमंत्रित करता हूं। उनतीस अगस्त को शादी है, आप लोग जरूर आइएगा। और अगर आप सबके पास वक्त हो, आज इनकी मेहंदी है, अच्छा लगेगा अगर आप सब आएंगे। पहलवान की सारी पहलवानी निकल गई। ओ पहलवान, चलो खाना खा ले। बोल बोल उसको, खाना खा ले। ओ पहलवान, भाव है इसको, भाव। अरे खोल जल्दी खोल। अरे देख क्या हुआ इसको। भाई पहलवान, अरे तू क्या कर रहा था, देखा नहीं क्या? अरे हम तो खाने लाने गए थे, तू देख क्यों नहीं रहा था? अब क्या करते, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अरे तो बुला ना डॉक्टर को। होशियारी दिखा दी, अब बेटा आंखों में पट्टी बांध, पगल पट्टी बांध, पट्टी आंखों में बांध। रस्सी बांध। गलती कर रहे हो तुम लोगों को, आगे अपनी हालत ठीक कर। अब भगत आ गया है कि तू तेरे अपनों से मिले। चल चल जल्दी चल। रुक, तोहार सामने तोहार कोई अपना खड़ा है। कौन है? बुलाते हैं हम आपको, अपनी मां से ज्यादा प्यार किया है आपको, फिर काहे ऐसा? जान पे आई तो रिश्ता याद आ गया। वो दिन रिश्ता याद ना आई था जब तू तो हर बाऊजी और चुड़ैल बहिन हमार मार खिलाफ साजिश रच रहे थे। याद
अब दिन रात इच्छा की बिटिया मीठी जीजी के सामने घूमेगी और तिल तिल करके जीजी का खून जलेगा। आकाश बिटुआ जब मीठी को ही घर के अंदर लाएगा तो ये दरवाजे पर होगा एक शर्त के साथ समझौता कि वो हमार बिटिया के लिए वाके दरवाजे खुलवा दे। तो ये घर के दरवाजे तुहार खातिर खुले और अगर ये ना हुआ तो बाकी की जिंदगी वो ये हवेली के बाहर बैठ के बिताए। सबक सिखाने वाले थे, मार जिंदगी नरक बनाने वाले थे। अब तू देख दार बाऊजी की जिंदगी हम कैसे नरक बनाते हैं। ओ भैया देखो आ गया तुहार बिठुआ, बंद हो गया हमार पिंजरे में। ये लीजिए आपकी दवाई। मुझे नहीं खानी है दवाई, मैं नहीं खाऊंगी। आपको दवाई खानी पड़ेगी। नहीं खाना, तो डॉक्टर से कहते कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इतनी सारी दवाइयाँ रोज नहीं खा सकती। अम्मा नानी, डॉक्टर की परमिशन के बिना ये दवाइयाँ बंद नहीं होंगी, लीजिए। तो कितनी जिद करता है। हम अभी चलकर अन्नी को सारा सच बता देते। तो डॉक्टर से कह दे कि मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी सारी चिंताएं चली गई है, मेरे बच्चे खुश है ना, तो मैं ठीक हूँ। मीठी की शादी होने वाली है, घर में बाल गोपाल आने वाले हैं, अब अगर भगवान मुझे आकर उठा भी लेना तो भी कोई चिंता नहीं। अन्नी, ऐसी बातें दोबारा कभी भी मत कहना। ठीक है दरोगा मीठी, नहीं करूंगी ऐसी बातें। अरे कैसे डांटती है तू मुझे, हाँ मैं घबरा जाती हूँ। विष्णु आओ ना, अंदर आओ। हाथ थामने का मतलब जानते हो ना तुम दोनों, हमेशा एक साथ रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किलें आए, कोई भी गलतफहमी हो, तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। फिर देखना तुम दोनों का जीवन कितना खुशहाल होगा। बस यही आशीर्वाद है मेरा। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। नहीं क्या बात है, तुम दोनों एक साथ आए हो, कुछ कहना है? नहीं, नहीं। बोल ना, बोलो विष्णु। जी वो मीठी आपसे कुछ। मीठी क्या बात है? यही कि आपको रोज टाइम पे दवाई लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसा तू कहेगी वैसा ही तेरी अन्नी करेगी। मैं रोज दवाई लूंगी, तू मेरी फिक्र मत कर। अरे काना, वो बेबी जी खाने का ऑर्डर देने गई थी ना। अमन नानी, मैं जाके देखता हूँ। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, शाम की मेहंदी की तैयारी हुई कि नहीं जरा देख लूँ। सुरभि ना राखी वाले दिन निर्भय को पता नहीं किस मुसीबत में डाल दिए। निर्भय बिटवा की कुंडली में उनकी ग्रह दशा बहुत बुरी है। सुरभि को ले गए और राठौर। जरा सोचो भैया, हमार बिटवा तो है लठायर, दोनों के बीच हाथापाई जरूर हुई होगी। ऐसे निर्भय गायब है, जमीन में गाड़ देंगे उनको। अगर हमार बेटुआ को कछु भी हो गया तो
शांत भैया शांत हो जाओ। हमार हाथ है चट्टान के नीचे, कछु ऐसन वैसन कर दिया अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। कहीं ऐसा न हो कि वो लोग सुरभि बिटिया को धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दे। भैया जी ठीक कह रही हैं, हमको बहुत सोच समझ के चालाकी के साथ कदम उठाना होगा। मुझे नहीं लगता मैं अन्नी को ये सच बता पाऊंगी। नहीं लगता मुझे। सही कह रही हैं, उनकी खुशी देखकर हिम्मत ही नहीं होती। अब ये नाटक नाटक नहीं, सच हो जाएगा। हमें ये शादी करनी होगी। अब तक तो आपने मेरा साथ दिया है हर कदम। अब आगे वाकिया मीठी भी ये क्या कह रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है? आपका कहने का मतलब ये है कि हमें अब इस नाटक को अंत तक ले जाना होगा? मतलब हमें हमें एक दूसरे से शादी करनी होगी? हाँ, सबकी खातिर, परिवार की खातिर, मां अन्नी सब